Of learning where you are with your friend Rahul Sharma, and I'm going to tell you the certain question that you have to work out for this upcoming exam British novel. आपने कहा सर British novel की preparation almost done है और ऐसा लग रहा है कि सर ये paper बहुत easy है क्योंकि इसमें हर answer को बहुत अच्छे जानते हैं. Because we have just gone through by all the stories sir. हाँ sir, आपकी stories सारी देखी हमने सर. आपने सारे के सॉल्व novel की videos डाली हुई. And we go through by each and everyone. लेकिन यहाँ पे बात आती है सर, how to prepare for the first or the last final shot. सर last final shot में prepare करने के लिए क्या करना होगा? And there are certain students जो ऐसे भी हैं, जो job पे थे, जिनको काम करने से time नहीं मिला, या कुछ ऐसी ladies या girls हैं, those are married or have kids, small kids, don't have time. They really want me or test me कि सर हमें प्लीज आप ऐसा बताएं कि हम जो स्किप कर पाए. वी आर अनेबल टू वर्क आउट ऑल दीज, सारे के सारे नहीं पॉसिबल हो सर. तो प्लीज आप कुछ ऐसे बता दें जिनको हम स्किप कर सकते हैं. तो आपके सामने नॉवल्स हैं, आप किसको स्किप करेंगे या किसको छोड़ेंगे, दैट यू कैन डिसाइड आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. जी हाँ, वीडियो पूरी देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आप छोड़ सकते हैं. तो हमें करना क्या है, हमें क्या पॉलिसी फॉलो करनी होगी, किस स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे जो हमारे लिए डेफिनेटली काम करेगी कि हम मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे. तो पहले इंट्रोडक्शन दें या एक ब्रीफ समरी लें, पूरे उसकी इतना टाइम नहीं है सर. आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए. जी हाँ, थोड़ा जल्दी कहते हैं. दोज हु आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब गाइस. रियली इफ यू आर नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब, आई एम गोइंग टू लूज नथिंग एंड यू आर गोइंग टू लूज लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर योर पेपर. आपने कहा सर क्या, तो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे. दैट इज बेटर टू सब्सक्राइब इमीडिएटली. और हाँ, देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें विद अदर पीपल, फेसबुक पे, ट्विटर पे और वेयर एवर यू आर कनेक्टेड, ताकि बाकी भी देख पाए. दिस इज यू गोइंग टू हेल्प मी थ्रू दिस वे. यहां मैं आपकी हेल्प शुरू करता हूं. तो पहला पॉइंट टॉम जॉन्स. जी हाँ, टॉम जॉन्स. तो दिमाग में रख लो कि ये कंफर्म करना आपने. पहला टॉपिक दिमाग में आते आता है कि सर टॉम जॉन्स ऑन टिप चाहिए, हमें कोई भी ऑप्शन नहीं लेना. सर अगर बात आती है स्किप करने की तो टॉम जॉन्स नहीं होगा. जी हाँ, अगर बात आती है स्किप करने की तो टॉम जॉन्स गलती से भी दिमाग में नहीं आएगा. ये हमें करना है बाय हुक और बाय क्रूक. Then jump up to the next part, that is pride and prejudice. जी हाँ, the pride and prejudice. और pride and prejudice को वापस करते हुए दिमाग में आता है same वही topic जो हमारे पास आया था Tom Jones में, that this is a novel that we cannot avoid. We must work it out. जी हाँ, जिन बच्चों को links नहीं मिल रहे हैं वो मुझे text करेंगे. I'll send you the links. आप सारे links देख सकते हैं. I'll send you all the links of these novels. आप उनको वहाँ से study कर सकते हैं. Move on to the next part, Wuthering Heights. Sir, अगर मैं बोलूं तो मैंने पहले चार 1, 2, 3, 4 ऐसे नॉवल रखे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते कहीं से भी स्किप करना. That is the Wuthering Heights. The characters are Heathcliff, the hero, the protagonist of the story. We need to work it out. Sir, इसमें तो narrator mention कर रहा है. आप तो भी mention third person approach. जी हाँ, third person approach technique use हुई है. सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है नरेटिव टेक्निक्स का. जी हाँ, कंफर्म आने वाला है इस बार. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. द एक्सपेक्टेशंस दैट हर्ट्स एंड दैट वाज रियली अ बेस्ट पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम जेन ऑस्टन. सर नहीं सर, चार्ल्स डिक्सन का है. जी हाँ, इस फ्रॉम चार्ल्स डिक्सन. तो सर हमें क्लियर होना चाहिए क्या जेन ऑस्टन ने तो सर प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखी. सर यहाँ पे चार्ल्स डिक्सन लिखा. यू नीड टू वर्क आउट दिस. मुझे याद नहीं करना, आपको ऑन टिप होना चाहिए. बिकॉज एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू आर गोइंग टू डील विद दिस. आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है कहां पे. एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, द मिडल मार्च. मैंने इसे अंडरलाइन क्यों किया, लास्ट में डील करेंगे. जी हाँ, मिडल मार्च, द स्टोरी ऑफ टू गर्ल्स, द स्टोरी ऑफ समवन, द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर्स, हाउ इट गो ऑन. और क्या है मिडल मार्च, is it really due or it is very important to work it out. Bilkul mid mein aur bilkul last mein, ek bilkul mid mein aur bilkul last mein jo main chhodne gaya.
सर आपने उनका लास्ट वीडियो देखना, वो आप डिसाइड करेंगे कि मैंने छोड़ने के लिए बोला वो हाँ या ना, आफ्टर डिस्कसिंग द सर्टेन मोर क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बता रहा कि फाइनल प्रिपरेशन क्या होगी, फाइनल शॉट क्या होना चाहिए, मैं आपको यही बताऊंगी क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और आप कैसे वर्कआउट करेंगे। देन द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जी आई एम टॉकिंग द हार्ट ऑफ डार्कनेस, द कर्स, द स्टोरी ऑफ मार्लो, अगेन अ नरेटिव टेक्निक वाज बीइंग एम्फसाइज्ड। आपने नरेटिव टेक्निक एम्फसाइज हुई, कैसे बताया गया, क्या चेंजेस थे, किन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी था। अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, सर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कम हियर, द पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन एज एन आर्टिस्ट, सर एक यंग मैन क्या क्या करता लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, हाउ ही गोज टू द सर्टेन फेज ऑफ हिज लाइफ, कहां उसे सही लगता है, कहां उसे गलत लगता है, वे ही इज बीन फाइंडिंग कंफर्ट, और कहीं ना कहीं कॉन्शियस लगती है कि यार चीज ठीक नहीं हो रही, दैट नथिंग इज गोइंग राइट अकॉर्डिंग टू मी, द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। नेक्स्ट वन, अ पैसेज टू इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट नॉवल इन आवर कोर्स, इट डजंट मैटर दैट इट्स टेलिंग यू द एंटायर इंडियन स्टोरी, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट, सॉरी it is important because it do have the certain characters that relate with all of us, you need to work on the character of aziz ka character se on tip kar lena please, and not adela, really aziz, then the crime of miss jane bodhi, sir please leave it, discuss bhi nahi karenge, then jump up to the basis, aapne kaha sir kuch basis ko deal karte hi hamare dimag mein aata hai that question kaun se honge, सर नॉवल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, करेक्टर स्केच आते हैं, टॉम जॉन्स का करेक्टर आ सकता है, सर हमारे पास पिप का करेक्टर स्केच आ सकता है, सर हमें हेरकुल को पूछ सकता हूं डायरेक्टली, तो सर इजीली आंसर दे देंगे, लेकिन अगर उसने कहीं ना कहीं कुछ अलग पूछ लिया देन हाउ वुड गोइंग टू गिव द आंसर, वो अलग जो हो सकता है ना, जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड हो सकता है, ये जो क्वेश्चन लास्ट हो सकता है, वो क्वेश्चन इनमें से होने वाला है, बाकी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हाँ जो क्वेश्चन घूम के आ सकते हैं जो आपके दिमाग से अलग होंगे, आपको लगेगा कि कनेक्ट नहीं है हमारे स्टोरी से, जो स्टोरी से कनेक्ट है, जो नॉवल से कनेक्ट है, वो तो आप इजीली जवाब दे देंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने स्टोरी में नॉवल में नहीं पढ़े, उसकी समरी में या उसके प्लॉट में आपको नहीं मिले, हाउ यू गोइंग टू गिव दैट आंसर्स, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस क्लास, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो लास्ट देखें। The first question, the very first question, it's all about the evolution of British novel. So we need to clear the evolution of British novel. क्या है evolution? British novel क्या है? कैसे workout होता है? And how can we work it out? The evolution of British novel. इस पे ध्यान देना है. You need to work out this. The evolution of British novel. ये tip पे चाहिए आपको. कब start हुआ? How it being started? It starts from 1791 song. 1791 में शुरू हुआ और क्या चेंजेस आए उससे शुरू करके हमें डिफाइन करना है ब्रिटिश नॉवल वहां से शुरू हुआ एंड देन वी गोइंग टू मेंशन अबाउट एवरी राइटर एवरी नॉवलिस्ट हर नॉवलिस्ट की डिटेल देनी है हमने यहां वी हैव टू गिव इट द डिटेल ऑफ एवरी नॉवलिस्ट ये जरूरी है इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट What do you mean by the typical and individual characters? So what are typical and individual characters? How can it be defined? तो हम जब नॉवल की बात करते हैं हमें ध्यान रखना है टिपिकल और इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर लिखने में दिक्कत हो रही है मैं आगे आ रहा हूं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ऑन साइड ये क्वेश्चन हैं जो आपको टिप करने हैं यहां सिर्फ नॉवल्स के नाम लिखे जो आपके पास हैं ये क्वेश्चन हैं जो आपको वर्कआउट करने मैंने बोला What do you mean by typical and individuals? Through the novels, जी हाँ इसको वहां से mention करना है Then jump up to the next part, the characters. अब यहां हम reference भी देंगे We need to give the reference to in this particular answer. Reference Tom Jones दे सकते हैं reference Great Expectation दे सकते हैं reference Wuthering Heights दे सकते हैं Typical and individual characters. I need to mention you कौन से character हैं Then jump up to next one. Narrative techniques. जी हाँ मैंने mention किया नरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नॉवल पे जिसको आपको प्रिपेयर करना है यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन द नरेटिव टेक्निक व्हाट डज मीन बाय द नरेटिव टेक्निक एंड हाउ इट कैन हेल्पफुल फॉर यू गाइस
जंप अप द नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. क्या है कॉन्सेप्ट मैरिज, कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे डील कर पाएंगे. सर कॉन्सेप्ट मैरिज की बात करें तो हम सर मुदरिंग हाइट की बात करें. सर आर वी टॉकिंग अबाउट ग्रेट एक्सपेक्टेशन? नो सर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस. सर इन तीनों के अंदर, तीनों नॉवेल्स में मैरिज के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया और बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया. जहां पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दी गई जरूरी थी, दे वॉज दैट वी नीड टू वर्क इट आउट एंड जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एप्टनेस ऑफ द टाइटल. जरूरी है ये क्वेश्चन कि ये आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा. द एप्टनेस ऑफ द टाइटल, कमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल, द स्टोरी, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन और द वुदरिंग हाइट्स और समर से द हार्ट ऑफ डार्कनेस. जंप अप टू द नेक्स्ट वन, द स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सर दिस इज फ्रॉम एनएसएस. जी हां, कहां से? द स्टीम ऑफ कॉन्शियस, फ्रॉम वेयर इट विल बी एडप्टेड. So it must be taken from a portrait of an artist as a young man. Jee haan, a portrait of an artist as a young man. You need to work on this. Yeah, that is something very important and we need to work. The portrait of an artist as a young man. Excuse me. Sorry for disturbance. Now, and then jump up to the next part. क्या है, कैसे वर्कआउट करते हैं. अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, मूव ऑन. सर ये तो नाउन था नॉवल का, लेकिन हम क्वेश्चन दे रहे ना, अब इसके लिए जरूरी था दैट हाउ गोइंग टू वर्क इट आउट. स्टीम ऑफ कॉन्शियस, जी हाँ, द स्टीम ऑफ कॉन्शियस कम फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन एज एन आर्टिस्ट. देन कैरेक्टर स्केच, क्या है कैरेक्टर स्केच, कैसे वर्कआउट करते हैं, किन चीजों के अगर ऐसा कैरेक्टर स्केच. अजीज, सर मैंने बोला था आपको अजीज कैरेक्टर कहा था. सर A passage to India. Sir, characters is Tom Jones. Characters sketch of Sir the Heathcliff, the Cathy, Kathleen. These are dominant characters. हमें सारे के सारे character on tip चाहिए. Then jump up to the next part. That is the fairy tale. कौन सी कहानी fairy tale है? किस novel को हम fairy tale में change कर सकते हैं? The fairy tale. That is really important. It's the great expectations. The Great Expectations, psychological novel. Which one is a psychological novel? Now there's a question for you. Which one is a psychological novel? How can you define that? Sir, psychological novel की बात की गई है, दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि psychological novel है तो कौन सा हो सकता है? It's all from the Great Expectations. जी हाँ सर, Wuthering Heights to a psychological novel. And then last, what is? Bilgertsman Roman, जी हाँ, Bilgerts Roman novel. कौन सा है, क्या है? ये वो character जहाँ पे characters में individuality आती है, घुसते हैं characters में और अलग अलग phase को deal किया जाता है. Sir, this is the phase that you need to work around. This novel do comes or these questions are definitely be in your paper. अब आपने कहा सर हमें prepare कैसे करना है, कैसे workout करेंगे, तो हमारे पास notes हैं सर. We are having your notes. इन notes को पढ़ने दो. एक चीज का ध्यान रखना है, when you come up to the characters, जी हाँ, जब आप characters पे आते हैं, उन characters को अच्छे से workout करना है. That is really important. Characters पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप characters को अगर workout करते हैं, you are going to live each and every moment. Then, sir, क्या ये question आने? सर ये वो question है जो side से हल होंगे. Direct questions straightforward होंगे novel से. Such as Lydia became evolvement. जी हाँ, Lydia became evolvement. क्या थी? उसको कैसे mention करेंगे? जो आपको ध्यान रखने दी. Then there are certain norms जो हमें on tip चाहिए. Notes, you are having my notes. जी हाँ, सब कुछ जगह मेरे notes होने चाहिए. जिनके पास नहीं है, they can get the notes by WhatsApp me. जी हाँ, WhatsApp करेंगे. तो I will mail the notes to you. And notes are not free of cost. Sorry to say, I told you earlier too. जो आपको ध्यान रखना है. Till then. अगर कोई और डाउट होता है, आंसर कैसे लिखने हैं, किन चीजों पे ध्यान देना है, तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सॉरे नॉन मिलेंगे. जी हाँ, आपको अगर लिंक चाहिए, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस. आप मेरे को व्हाट्सएप करें, आई विल सेंड यू द लिंक्स. सेंड यू द लिंक्स ऑफ ऑल द नॉवेल्स, यू कैन वॉच दैट एंड कैन गेट द बेनिफिट. सो वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट यू.
एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो गोइंग टू अपलोड, आप लोग देखें समझें और प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालें कि सर इसका लिंक चाहिए।